गाइस इट्स मी धीरू बॉन्चिक। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कुछ रील्स, ना तो हम देखेंगे आज निब्बा निब्बी की रील्स और ना ही देखेंगे छपरियों की रील्स, बट आज हम कुछ ऐसी रील्स देखने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद तुम्हें आज मेरी वीडियो पे कंफ्यूजन हो सकती है कि हम धीरू की वीडियो देख रहे हैं या फिर क्राइम पेट्रोल का कोई एपिसोड चल रहा है। यस, आज की वीडियो की जो हमारी अभिनेत्री है उनका नाम है रचना और इन्होंने एक ऐसे कंटेंट की रचना कर डाली है इंस्टाग्राम पे कि लोग जो है भाई उसे देख के अभी तक कंफ्यूज है कि ये चल क्या रहा है। Yes, mom and son. मैं तुम्हारे कुछ भी सोचने से पहले ये बता दूं कि ये दोनों जो हैं माँ और बेटे हैं। भाई ये ऐसी होता है जब तुम अपने बच्चे को कॉम्प्लेन पिलाने की उम्र में दूध में सिलाजी डाल के पिला देते हो। भैया कितना कुछ भी खिला पिला दो है तो बच्चा ही कमर और चटक जाएगी इसकी, उतर जा बहन। भाई अभी तक तो मैंने माँ बाप को बच्चों को गोदी में खिलाते हुए देखा था, लेकिन आज तो भाई बच्चे को माँ को गोदी में खिलाते हुए देख लिया है। सो इनके यूट्यूब चैनल के कुछ वीडियोस देखने के बाद मुझे पता लगा कि ये लोग दिल्ली से हैं। जिस तरह का कंटेंट दिल्ली से निकल रहा है ना आजकल, इंस्टाग्राम रील जो है मेट्रो से नहीं पूरे शहर से बैन हो जानी चाहिए। भाई इनकी हर वीडियो में तुम्हें जो है दो चीज कॉमन मिल जाएंगी, या तो उधर लिखा होगा मॉम एंड सन या फिर गाने में जो है मम्मी या बेटे की बात चल रही होगी। भाई कभी इज्जत से पास बुला के देख, शायद दूर ना जाए फिर। बेटा मम्मी खाना नहीं सिर्फ कंटेंट देती है इंस्टाग्राम रील के लिए। ढंग से खाना दो, ये क्या है दूध और गुंजिया पकड़ा दी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, खाना बनाने का टाइम ही कहाँ है, सारा टाइम तो रील बनाने में चला जाता है ना। क्या लगता है आपको, ये जो लोग आपकी बुराई करते हैं उससे आपको कुछ फर्क पड़ता है? गर्मी से जलने पर लोग तो सूरज की भी बुराई करते हैं, क्या लगता है आपको उसे कोई फर्क पड़ता है? अबे चमन बरास के चूरन सूरज है तू और आंटी जी, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा आंटी बोलूं दीदी बोलूं क्या बोलूं, ये किस तरह से ठुमके लगाए जा रहे हैं। मुझे ये बताओ आपका कंटेंट क्या है, बालक के साथ चार ठुमके मारना बस। अरे नहीं भाई ये चल क्या रहा है, मुझे कोई ये बताएगा? आंटी जी इस उम्र में जो है ना सब्जी बाले से नाप तोल कराई जाती है, कंटेंट से नहीं। कंटेंट बोले तो इनका बेटा ना भाइयों, जब हम बालक थे हम सोचते थे स्कूल से जाके जो है खाना खाएंगे मम्मी के हाथ का बना हुआ, लेकिन ये आगे सोचता होगा चलो मम्मी के साथ चार रील बनाऊंगा। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना? जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो। अरे जुकाम छोड़ो यार, यहाँ पे तुम्हारी वीडियो डाइजेस्ट ना हो रही मुझसे। डॉक्टर ने खाने में तीनों टाइम हाजमोला की गोलियां लिख दी है खाने के लिए। कैसे एक बार फिर करना। पाओ किलो मेकअप, दो स्नैप, दो इंस्टाग्राम के फिल्टर लगाने के बाद जो थूत बनती है ना दोस्त, वो इस तरह से होती है। हाँ आंटी जी, आप जैसों के लिए जो है ना इंस्टाग्राम ने बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन दिया, ये वीडियो पोस्ट करने के बाद ना तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा नीचे डिलीट, हर वीडियो के बाद वही दबाना होता है। अरे कोई तो टाइम छोड़ दो भाई, खाना बनाते हुए वीडियो बनानी जरूरी है क्या? और आंटी जी जो बेलन का प्रयोग है ना, ये तुमने खाना बनाने के लिए नहीं अपने लौंडे पे किया होता ना तो आज ये घर के रिलेशन पढ़ने की बजाय ना फॉरेन रिलेशन पढ़ रहा होता। भाई सही बताओ ना, ये लौंडे की जो खुशी है ना ये घर पे आज रोटी बनने की है, क्योंकि बाकी हर दिन तो आंटी के हाथों रील ही बनती है बस। मॉम एंड डॉटर, भाई कहां से लग रही है मॉम एंड डॉटर, दोनों बहने लग रही है मुझे तो। अब तुम सोच रहे हो कि धीरू फालतू में इतना रिएक्ट कर रहा है, अपने बच्चों के प्रति उसका प्यार है ये। अरे तो लड़के के साथ ही है क्या? भाई इनकी बेटी के साथ मुश्किल से चार रील होंगी पूरे अकाउंट पे और लड़के के साथ भर रखी है। हैप्पी बर्थडे तोयो, हैप्पी बर्थडे, मुबारक हो आपके कंटेंट की एक साल उम्र और बढ़ गई है। अरे 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 ये सब नहीं यार, आज के दिन तो मत करो, बच्चों का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू माय ट्विंस। भाई सही में दोनों एक साथ हुए थे, मैं पागल हो जाऊंगा वीडियो बनाते बनाते, आधी चीजें तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे मुंह से बाहर निकलने से पहले मेरे दिमाग में चली जा रही है, कहीं भाई वीडियो बनाने के चक्कर में सलाखों के पीछे ना दिख जाऊं मैं। यार सबसे मिलवा दिया मैंने तुम्हें इनकी फैमिली में, अंकल जी से नहीं मिलवाया है। वेल अंकल जी से मिलवाने की कोई जरूरत लग भी नहीं रही मुझे, क्योंकि सारी जो चीजें हैं जो अंकल जी को करनी चाहिए भाई वो तो ये लड़का कर रहा है। पतों के दौर में भाइयों, ये वीडियो बनाने के लिए जो है ना अंकल जी बिल्कुल राजी नहीं थे, वो तो अंकल जी के पीछे बेटे द्वारा जो लाभ उठाया गया है उससे ऑफेंड होने के बाद अंकल जी ने वीडियो बनाने के लिए अपना कदम उठाया है। चुन्नी में परफ्यूम
गाइस अर्चना जो है अपनी हर दूसरी वीडियो में भोजपुरी गाना यूज करती है, काइंड आयरॉनिक क्योंकि भोजपुरी गाने में भी कंटेंट से ज्यादा अश्लीलता ही होती है। जिस तरह से भोजपुरी गानों पे बैन लगाए, कृपया करके इन चीजों पे भी बैन लगाएं। और भाई ये 2,80,000 के लोग को देख लो, ये लोग जानवर को बेहोश करने वाले इंजेक्शन के नशे करते हैं, तभी तो किसी को भी फॉलो कर देते हैं भाई बिना देखे। तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हसी सितम? चुप कर बे कुत्ते। वाह भाई, अंकल इतने साल से बोल रहे कि अपनी उम्र तो देगी, ये सब क्या पोस्ट कर रही है, तब नहीं सुनी, अब अंकल की उम्र गिनाने पे आ गई है। चुप साली। वेल अच्छा ही अंकल तुझसे इश्क लड़ा रहे, कम से कम बोलूंगा नहीं आगे। और भाई सही बताऊं तो मुझे तो अभी तक डाउट है कि ये पक्का अंकल की बीबी है ना, ये पूरी फैमिली देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है ये अंकल के तीनों बच्चे हैं। भाई इनकी वीडियोस देखने के बाद ना मैं गलत फैमिली में चला गया हूँ, गलत फैमिली में चला गया हूँ मुझे ऐसा लग रहा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। हाँ ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने अपना दिमाग फेंक दिया है, जाके ढूंढो उसे, दोनों को बहुत ज्यादा जरूरत है। और बेटे समोसे का आलू आलू मत बनो, तुम थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करके दुनिया का ज्ञान लेके चालू बन ले। अब अलग ही बकचोदी चल रही है यार इनकी, भयंकर मैं बाबला हो जाऊंगा और कुछ ना, इसमें सिर मार लूंगा मैं अपना। प्रैंक ना, ये किसके साथ प्रैंक करा जा रहा है ये तो बता दो मुझे, अपने इन बालकों के साथ या फिर अपनी इस ऑडियंस के साथ? और भाई जिस तरह से भी आंटी गिरी है, इस तरह से मेरी भी एक्सपेक्टेशन गिर गई है इन बच्चों के फ्यूचर से। भाई मुझे ये समझना आ रहा है आंटी को वीडियो बनानी है, अकेले बना ले, कैमरा पकड़ के खुद खड़ी हो जावे, या फिर एक चीज आती है ट्राइपॉड, इसका इस्तेमाल करे जाए। लेकिन भाई यहाँ तो जिंदा लौंडे का इस्तेमाल हो रहा है, अपने साले चूरन कैमरा पकड़ के खड़ा रहता हर वीडियो में, कैमरामैन बन के आ जा। और बाकी मुंडों का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा मुंडा जरूर मर रहा तुम्हारे लुक्स पे, इसे संभाल लो। हाँ बबुआ को पीएम बनवा के देश के युवाओं में जो हवस की बोरियां बंटवा दो। और रचना जी थोड़ी कंटेंट की रचना जो है ना अलग प्रकार से करो, क्योंकि हर वीडियो में बच्चे के साथ रोमांस करने पे जो है कंटेंट नहीं निकलता, एफआईआर भी निकल जाती है। अरे यार जब पूरे दिन माई सन करके लड़के के साथ उल्टी सीधी चीजें करोगी तो कहां से अंकल प्यार करेगा? भाई सच्ची बताऊं तो मेरे को तो इस अंकल पे तरस आ रहा और किसी पे नहीं। तो ठीक है वीडियो जरी खत्म करते हैं, लाइट भाग गए भाई आगे, भाई लाइट भी करी धीरू और कुछ मत देख, मौसम बाहर हो रहा खराब, मेरा दिमाग भी बहुत गंदी तरीके से। तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और मैं यही कहना चाहूंगा भाई इस तरह की चीजें मत करो। बाकी मेरा क्या जा रहा भाई, तुम्हारा लड़का तुम्हारा परिवार, तुम कुछ भी करो, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। तो ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना प्लीज, एक कमेंट भी करते जाना, चैनल सब्सक्राइब भी करो, जल्दी करो बे, 4 मिलियन करने हैं, कितना टाइम लगाओगे? लो मैं भी नाच दे रहा भाई तुम्हारे लिए, कर दो सब्सक्राइब।